हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ए, रुको, कौन हो तुम? नहीं, यहाँ तुम नहीं हो सकते। नहीं, ए, रुक, अरे यहाँ आने की परमिशन नहीं है किसी को। वॉचमैन, पकड़ो इसे। वो देखो भाग रहा है, पकड़ो उसे। तुम यहाँ भी? नहीं, तुम यहाँ नहीं हो सकते। नहीं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े? तुम मुझे मार दोगे। अरे कौन है? रुक, परेश, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। देखो, डरो नहीं, सामने आओ, मैं तुम्हें उससे बचा लूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो तुम्हारा। सामने आओ परेश। अरे क्या हुआ ये सब? अरे किसने किया? बोलो, बताओ, ठीक तो हो तुम? अरे बताओ किसने किया ये सब? सीनियर इंस्पेक्टर दया। हाँ डॉक्टर साहब, पेशेंट खतरे के बाहर है, लेकिन अभी भी बेहोश है। कौन है, कुछ पता चला? हाँ, इसका नाम परेश है, लेकिन अभी तक बेहोश है। होश में आने के बाद आप लोग मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। वैसे आपने हमें क्यों बुलाया? इनके कारण। इनका कहना है कि हमला करने वाला आप ही की टीम का है। What? क्या बकवास कर रहे हैं आप? सीआईडी का काम होता है आम आदमी को मुजरिमों से बचाना, हमला करना नहीं, समझे आप? सब सच बकवास ही लगता है, लेकिन ये बकवास नहीं है, क्योंकि पीड़ित ने खुद मुझसे कहा है। क्या बताया उसने? किसने हमला किया उस पर, बताओ? दया। What? क्या क्या बोल क्या रहे हो? मैंने उसमें हमला किया? हाँ, उसने मुझसे यही कहा है कि आपने ही उस पर हमला किया है और आप उसे जान से मारना चाहते हो। क्या? मैं उसकी जान लेना चाहता हूँ। हाँ सर, मुझे लगता है कि आपको दया को अरेस्ट कर लेना चाहिए। हमें हमारा काम बताने की जरूरत नहीं है, समझे? मुझे पता था कि आप अपने कलीग का ही साथ देंगे। देखा, चोर चोर मोसेरे भाई। ज्यादा जज मत बन, समझा? और तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें। परेश को कैसे जानते हो तुम? मैं उसे नहीं जानता सर। तो फिर? सर, ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें मिला था। हमें देखकर ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो, और फिर एकदम से अंदर भाग गया, और थोड़ी देर बाद इसकी चीख हमें सुनाई थी। जब हम वहां पहुंचे तो वो बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा था, और उसने उसी हालत में हमें बताया कि उस पर हमला दया ने किया है। मैं एक समय पे दो जगह पे नहीं हो सकता। मैं सुबह से ब्यूरो में था, तसल्ली के लिए तुम वो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो, समझे? लेकिन फिर उसने आपका नाम क्यों लिया? एक काम कीजिए, अब जाइए यहां से, जाइए। बहुत बोल दिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। समझ में नहीं आ रहा था, जब तुम ब्यूरो में ही थे
तो फिर परेश ने ऐसे क्यों कहा कि दया ने उस पर हमला किया? एक बात बताइए, जब आप लोगों ने यहाँ पे परेश को जख्मी हालत में देखा था तो उसके साथ में कोई था या किसी को आते जाते देखा हो? नहीं साहब, वो अकेला ही था। लेकिन सर उसने इंस्पेक्टर दया का पता है, दया का नाम बोला। हम यहाँ वो जानने आए जो उसने नहीं बोला, समझे आप? और दया ऐसा नहीं कर सकता। सर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि दया सर ऐसा कुछ नहीं कर सकते? जो आदमी अपनी जान दांव पे लगा के दूसरों की जान बचाता हो वो किसी का खून नहीं कर सकता। खुद से ज्यादा मुझे दया पे भरोसा है, समझे? आसपास चेक करते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। सर ये देखिए। ओह नो, है कौन ये? जिंदा है? हेलो एम्बुलेंस, भैया मालमणि के पास अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहां पे भेजो जल्दी। तुम लोग जानते हो इसे? ये तो सुबू सर है, ये दो तीन बार पहले फ्लैट देखने आ चुके हैं। लेकिन सर इसे हुआ क्या है? शायद ऊपर से गिरा है। ऊपर से गिरा है या फिर गिराया गया है? पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, ये बहुत जल्द होश में आ जाएगी। गुड। क्या हो गया इसे, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जानते हो इसे? साहब अब ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इस परेश पे हमला हुआ है वहां पे हमें एक और आदमी जख्मी हालत में मिला। और एक आदमी कौन है वो? तो वॉचमैन बता रहा था उसका नाम सुबू है, वहां पे दो तीन बार आया था मकान देखने के लिए। उसके हाथ में से हमें ये कपड़े का टुकड़ा मिला है। अच्छा, छोड़ दो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। परेश मैं इसे भी प्रद्युमन सीआईडी से, घबराओ मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। दया, दया छोड़ दो मुझे, दया छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो दया। पर दया तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं इसे भी प्रद्युमन हूं। दया, दया छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। परेश, दया, दया तुम जाओ, दया तुम क्या चाहते हो मुझसे? दया छोड़ दो मुझे। परेश क्या बात कर रहे हो? दया छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो दया। परेश मैं दया नहीं, मैं अभिजीत हूँ। दया, दया जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। अरे दया इधर है। दया छोड़ दो मुझे, मुझे मत मार दो यार। परेश इधर देखो, हम पहले मिल चुके हैं, तुम जानते हो मुझे। दया छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो। सब सब दया हो रही है, तुम सब दया। परेश मुझे मत मारो। डॉक्टर दया छोड़ दो मुझे, डॉक्टर दया छोड़ दो मुझे, मार दिया। डॉक्टर दया देखिए ना, क्या हो गया इसको? ये चक्कर है क्या? और हर किसी के चेहरे में उसे मेरा चेहरा नजर आता है। हाँ वही तो, इसलिए जब उसने उस आर्किटेक्ट को, उसके असिस्टेंट को, उस वॉचमैन को देखा तो ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे उसने भूत देखा है। और उसके दिमाग का भूत दया तुम हो। तुम और इसीलिए उसे लगता है कि तुमने उस पर हमला किया है, क्योंकि हमलावर में भी वो तुम्हें ही देख रहा होगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही सर कि मेरा ही चेहरा क्यों? दया तुम कह रहे थे ना इसे तुम पहले से जानते हो, कैसे? सर लगभग 15 साल पहले मैंने इसे गिरफ्तार किया था सर। हाँ। और 2 साल पहले ये जेल से छूट गया
और पिछले दो साल में अलग अलग केस में मैंने इसे दो बार अरेस्ट किया सर। अभी ये परेश पुराना मेहमान है दया का। और परेश पे हमला किया किसने और क्यों? अरे मैडम जरा ध्यान से। किरण। कौन किरण? मैं कोई किरण नहीं हूँ। अरे अरे क्या कर रही मैडम, क्या कर रही हैं आप? आपको कुछ गलत फहमी हो रही है मैम। अरे मैडम आप ठीक तो हो ना? किरण, कौन किरण? अरे मैडम क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? किरण नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें जान से मारूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ये क्या किया आपने? क्यों सुबू, कैसी तबीयत है तुम्हारी? सर पैर की हड्डी टूट गई है और बाकी इधर उधर थोड़ी सी चोटें लगी हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ था उस दिन? वो आदमी सीढ़ियों से भाग रहा था जब मैं उससे टकराया, और जब मैंने उसके हाथ में चाकू देखा तो मैंने शोर मचाया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गया। उसके बाद सर कुछ याद नहीं। सुबू तुम्हारे हाथ में से हमें वो जो एक कपड़े का टुकड़ा मिला था लाल कलर के चौकड़ी का, क्या वो उस आदमी की शर्ट का टुकड़ा था? जी सर, शर्ट पहना था उसने वो, और हाथापाई के दौरान शायद वो मेरे हाथ में आ गया था। अच्छा ये बताइए उस आदमी का चेहरा देखा था? सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ याद नहीं। ठीक है अब तुम जाओ, अगर जरूरत पड़े तो हम तुमसे फिर मिलेंगे। ठीक है प्लीज, थैंक यू सर, जाओ। आदया क्या, कहां पर? अच्छा ठीक है मैं अभिजीत और पूरी को भेजता हूं उधर। हाँ हाँ अभी यस। क्या हुआ सर? दया बता रहा था कि किसी सुपरमार्केट में एक औरत आसपास के सभी लोगों पर हमला कर रही थी और हर एक को किरण 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 नाम से पुकार रही थी। कोई मेरे सामने नहीं आएगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको जान से मार दूंगी, चल जा यहां से, कोई मेरे सामने नहीं आएगा। तुम एक सब की लो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चले जाओ यहां से, चले जाओ, मैं बोल रही हूं चले जाओ। मैडम एक मिनट इधर आइए, आप लोग इधर आइए सब लोग। देखिए मैडम हम लोग सीआईडी से हैं, आपकी मदद करने के लिए आए हैं। ठीक है ये चाकू हमें दीजिए। तो भी किरण। देखिए मैडम मैं किरण नहीं हूँ, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ। मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। आप प्लीज नहीं छोड़ूंगी, चाकू रखो। तुम भी किरण हो, मैं बोलती हूँ मार दूंगी तुम्हें जान से। क्या हुआ? सॉरी। ओह नो। अरे क्या हो गया, ये औरत गिर कैसे गई? क्या हुआ? हटिए आजा, एक्सक्यूज मी, हटिए पीछे, हटिए जा, एक मिनट पीछे आइए। हुआ क्या है इसको मैडम? सुनिए क्या हुआ इसे मैडम? सर ये तो मर चुकी है। क्या? इसके शरीर में टेट्राकोटॉक्सिन या ब्यूरारे नाम का जहर इंजेक्ट किया गया था जिसकी एक बूंद भी जानलेवा हो सकती है। मगर ये जहर तो हमारे देश में आसानी से नहीं मिलता ना? सिर्फ उसे ही मिलता है जो बड़ा रिसर्च कर रहा हो। तो भगदड़ में किसी ने वो पॉइजन इसे इंजेक्ट कर दिया। पंकज एक काम करो, इस हादसे के वक्त का जो सीसीटीवी फुटेज है ना वो अच्छी तरह से चेक करो, खूनी की तस्वीर उसी में मिलेगी सर। और सर इस परेश का क्या, इसे हर जगह मैं ही क्यों दिखता हूँ?
सालू के साहब, मुझे तो ये केमिकल की बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। ठीक है रुपरेडे, बस ये वाकई किसी खास केमिकल की वजह से, क्योंकि मुझे इसके और परेश के दिमाग में एक अलग किस्म का केमिकल मिला है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसी केमिकल की वजह से इन दोनों का बर्ताव एक जैसा है और एक ही चेहरा इन दोनों को दिखता है। हाँ बस, और मैं इस केमिकल को और डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जब तक इस परेश के दिमाग पर इस केमिकल का असर रहेगा, हमें कोई जवाब नहीं मिलेंगे। और अभिजीत, ये कपड़े का टुकड़ा जो आपने हमें दिया था, इसमें से भी हमें कुछ मिला है। कमाल है तारिका जी, आज तो फोरेंसिक में एक के बाद एक सबूतों का खजाना हाथ लग गया है। क्या मिला क्या आपको? ये कॉटन का कपड़ा है और इसके रेशों में आटे के कुछ ट्रेसेस मिले। आटा? सिर्फ आटा? सिर्फ आटा। हाँ वाकई खजाना तो हाथ लगा है। आटा सर। सर ये फोटोग्राफ है सर, ये जितने भी लोग हैं इनमें से किसी ने उन्हें पॉइजन का इंजेक्शन दिया सर। अब और एक काम करो, ये जितने सारे लोग हैं ना, इन सब की मूवमेंट ट्रैक करो शॉपिंग मॉल में। खून होने से पहले ये लोग कहाँ थे, कहाँ से आए, क्या क्या कर रहे थे, और खून होने के बाद में देखो ये लोग कहाँ कहाँ गए। ओके सर, मैंने इस औरत का बैकग्राउंड चेक किया, इसका नाम शिप्रा है, ये एक हाउस वाइफ थी। सर परेश तो फिर भी एक मुजरिम है, उसकी कई दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन इसकी किससे क्या दुश्मनी हो सकती है? वजह तो कुछ भी हो सकती है पूर्वी, लेकिन एक बात कॉमन है शिप्रा और परेश के बीच में, उन दोनों के ब्रेन में वही केमिकल मिला है, तो उन दोनों का दुश्मन भी एक ही हो सकता है। किरण के बारे में क्या पता चला? सर किरण शिप्रा का पति था और 2 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। सर किरण शिप्रा को काफी मारता पीटता भी था। कोई ना कोई बात तो है इस परेश और शिप्रा के बीच में, कोई कॉमन बात जिसकी वजह से ये दोनों भी उस खूनी के निशाने पर आ गए। क्या हो सकती है वो कॉमन बात, क्या हो सकती है? सर मैं परेश के पड़ोस में पिछले 5 साल से रहता हूँ, पर अजीब बात है सर, ना मैंने उसे कभी देखा ना कभी मुलाकात हुई। और कोई नहीं है परिवार में उसके? सर उसके पिताजी थे जिनकी मौत तब हो गई थी जब वो जेल में था, और कोई नहीं है। सर शिप्रा का हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट था, वो उसे मिलना तो दूर, किसी से बात तक करने अलाउ नहीं करता था। इनफैक्ट वो तो उसको मारता पीटता भी था। सर उसके हस्बैंड के डेथ के बाद ना मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उससे बात करूँ, उससे पूछूँ, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं रखा। सर उसका कोई करीबी दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं था क्या? सर मुझे नहीं लगता कि होगा। अच्छा, शिप्रा और परेश दोनों की जिंदगी में एक बात कॉमन, दोनों जिंदगी में अकेले थे, ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार। सर दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? सर हमने परेश और शिप्रा का कंप्यूटर चेक किया तो उनकी कंप्यूटर हिस्ट्री से पता चला है कि दोनों ने ही ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया था। अच्छा, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप मतलब? सर ये ग्रुप्स है जो डिप्रेशन, लोनलीनेस, ड्रग एडिक्शन और अल्कोहलिज्म में फंसे होते हैं, उनकी काउंसलिंग करता है और उनकी मदद करता है। सर शिप्रा ने 2 हफ्ते पहले ही एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया था जो शादीशुदा जिंदगी में परेशान लोगों की मदद करता है, और परेश ने अपने अकेलेपन से निकलने के लिए पिछले महीने ही ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया था। अजीब इत्तेफाक है, दोनों ने ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया और दोनों को एक ही तरीके की परेशानी हुई। कुछ पता चला इस ग्रुप के बारे में? सर हमारा साइबर एक्सपर्ट राज इस ग्रुप को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी कुछ पता चल जाएगा। सर सर शिप्रा का खून इसी आदमी ने किया है। जिस वक्त उसका खून हुआ था उस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे, ये सबसे ज्यादा अजीब है सर। सर जिस वक्त अभिजीत सर और पूर्वी सुपरमार्केट पहुंचे थे, ठीक उसी वक्त ये आदमी वहां पहुंचा था सर, और भीड़ में घुस गया था, और जब शिप्रा की मौत हुई तो फटाफट वहां से भाग गया। रेडी काम करो,
हमारा डेटाबेस चेक करो, शायद इसके बारे में कुछ पता चले, कोई लीड मिल जाए। क्या मतलब है सर, ये खूनी सुपरमार्केट में कुछ खरीदने नहीं बल्कि शिप्रा को मारने के लिए आया था? हाँ राज, ओके ठीक है, तो तुम मुझे एड्रेस एसएमएस कर दो। थैंक यू सर। साइबर एक्सपर्ट राज का फोन था, उसका कहना है कि ये दोनों ग्रुप्स एक ही आईपी एड्रेस से बनाए गए हैं। एक ही कंप्यूटर से? हाँ सर। आईपी का एड्रेस मिला है? हाँ सर, अंधेरी में एक प्रिंटिंग शॉप है, ये दोनों ग्रुप्स वहीं से बनाए गए। बस तो फिर अभिजीत, तुम और पूर्वी जाओ वहां पर और देखो कौन है इस सबके पीछे और उसका क्या कनेक्शन है। सर क्या सोच रहे हो? सर नहीं, पंकज ने भी बताया कि वो खूनी शिप्रा को मारने के इरादे से ही आया था। तो फिर सर उसे पता कैसे चला कि शिप्रा वहाँ सुपरमार्केट में है और वो लोगों पे हमला कर रही है? वो शिप्रा को फॉलो कर रहा होगा सर। अगर फॉलो कर रहा था तो अभिजीत और पूर्वी के वहाँ सुपरमार्केट में पहुंचने से पहले वो मार के निकल जाता, बाद में नहीं मारता उसे। अभिजीत को सुपरमार्केट पहुंचने में 20 मिनट लगे और खूनी को भी वहां पहुंचने में 20 मिनट लगे, तो इसका मतलब है दोनों को भी खबर एक ही वक्त पहुंची थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्फॉर्मेशन खूनी को हमसे ही गई हो? हमारे यहां से इन्फॉर्मेशन? हाँ हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम परेश को देखने गए थे हॉस्पिटल में, उस वक्त खूनी वहां पर मौजूद था और उसने मेरी बातें सुन ली हो? अरे खूनी हॉस्पिटल में कर क्या रहा था? दया, परेश खूनी के हाथों पहले तो बच गया था। हो सकता है खूनी अपना अधूरा काम पूरा करने हॉस्पिटल आया था, परेश को खत्म करना चाहता था इसलिए। डॉक्टर साहब, क्या आपने इस आदमी को देखा है? भाई साहब, ये आदमी को देखिए जरा, इस हॉस्पिटल में इसको देखा है कहीं? हाँ हाँ, इसको तो मैंने देखा है। कहाँ देखा है? वहाँ वहाँ वेटिंग रूम में। यहाँ कोई आया था क्या? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं आया। ठीक। हाँ दया। सर परेश तो ठीक है पर वो खूनी अभी तक दिखा नहीं, कहीं तो छुप कर बैठा ही है दया, सही वक्त का इंतजार कर रहा है। वेटिंग रूम में भी चेक किया सर, अभी कोई नहीं है। तो यही पता है पर कहाँ कहाँ छुप कर बैठा है ये? कहाँ भागोगे? रुक! माय गॉड! हाँ भाई, क्या मिला? सर ये दोनों साइड डिलीट किए जा चुके हैं, अब वो ऑपरेशनल नहीं है। मतलब अपराधी ने सबूत मिटा दिया? जी सर, पर सर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मेरे हाथ लगी है। क्या? ये देखिए सर, इसी आईपी एड्रेस से, इसी कंप्यूटर से उस तरीके के 6 और ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप बनाए गए हैं। तो लोगों को फंसाने के लिए ऐसे कई ग्रुप बनाए गए हैं? बिल्कुल सर। सर बाकी ग्रुप डिटेल में चेक कर लेता हूँ। मतलब सर परेश और शिप्रा के अलावा और भी कई लोग हैं जिन्हें इन लोगों ने फंसाया है, मगर सर मकसद क्या हो सकता है इस तरह से साइट बना के लोगों को टारगेट करने का? वही केमिकल से रिलेटेड कुछ होगा। ये कुछ मिला रजिस्टर में? हाँ सर। सर पिछले 3 महीनों में 85 लोगों ने एक कंप्यूटर यूज किया, सबकी डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। ठीक है सर। ये देखिए,
छह में से पांच ग्रुप डिलीट किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक सपोर्ट ग्रुप एक्टिव है और अभी भी उसे कोई ऑपरेट कर रहा है। एनहांसिंग द लाइफ ऑफ लोनली पीपल, मतलब साफ है, ग्रुप बनाया जाता है, तना लोगों को फंसाया जाता है और बाद में ग्रुप डिलीट, तब उन्हें एक और शिकार की जरूरत है। एक आइडिया है, कुछ पता चला इस आदमी के बारे में? फिलहाल तो कुछ नहीं, वॉलेट के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं मिला है, मोबाइल फोन तक नहीं। तो हमारे पास कोई सुराग नहीं है? दया, ये केस जितना उतना सिंपल नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ही है, कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। ये तो इस खेल का मोरा लग रहा है सर, वो भी भाड़े का। और इस केस का मास्टरमाइंड अभी भी आजाद घूम रहा है, अपने नए शिकार की तलाश में होगा, जल्द से जल्द ढूंढना होगा सर इसे। हाँ पंकज, आराम से। अब्बास खड़े। ये क्या ही था उनके? फिर आप ये क्या खेल खेल रहे हैं पंकज के साथ? नहीं नहीं, ये कोई खेल नहीं है, बस मैंने बताया था ना, ये केस बहुत ही पेचीदा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, याद है ना? मैंने बताया था उस परेश के और उस शिप्रा के दिमाग में मुझे एक अलग तरीके का केमिकल मिला था। हाँ, मैंने उस केमिकल को रिप्लिकेट किया और इस पंकज के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। व्हाट, तू पागल हो गया फारूक है? अगर इसे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा यार, बिलीव मी, मैं पागल हूं क्या? पंकज, अब आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तो फ्रेडी सर है। ग्रेट, ये फ्रेडी सर है ना? अब इस तरफ देखो पंकज, यहां कौन खड़ा है? ये कैसे हो सकता है? इधर फ्रेडी सर, यहां फ्रेडी सर। मतलब शाहरुख है, ये परेश और चिप्रा के साथ यही हो रहा? सर, पंकज, बस बस पट्टी लगा लो, पट्टी लगा लो बस। ये देखा बस, इसे फ्रेगोली सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम में इंसान को एक ही चेहरा हर चेहरे में दिखाई देता है, उस इंसान का चेहरा जिसे या तो वो सबसे ज्यादा नफरत करता है या जिससे सबसे ज्यादा डरता है। पंकज, मुझसे इतनी नफरत करता है तू? अरे सर, आपसे नफरत थोड़ी करता हूँ सर, आपसे तो मैं डरता हूँ। पंकज को मैंने इस केमिकल का बहुत थोड़ा सा डोज दिया, इसीलिए इस पर वैसा असर नहीं हुआ जैसा शिप्रा पर और परेश पर हुआ था। परेश और शिप्रा को तो इतना हैवी डोज दिया गया था कि उनके उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ और साइकोसिस लेवल पर पहुंच गए, इसलिए दोनों ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे जैसे सामने भूत दिख गया हो। तो इसका मतलब जैसे जैसे परेश के दिमाग से ये केमिकल का असर कम होगा, नॉर्मल हो जाएगा और हमें अपराधी तक पहुंचने का जरिया मिल जाएगा। हो सकता है, लेकिन दावा नहीं कर सकते। और हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि इस केमिकल का असर कितने दिनों में खत्म होगा। अगर हम परेश के ठीक होने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा, कोई और तरीका। हाँ पूर्वी। सर, मैंने वो ऑनलाइन ग्रुप पे रजिस्टर कर लिया और डिटेल्स भी एकदम परेश और शिप्रा की तरह थी, नो फ्रेंड्स नो फैमिली, एकदम अकेले। उन लोगों को ऐसे लोगों की तलाश है। ये तुम्हारा ट्रैकर, इससे पता चलता रहेगा तुम्हारे मूवमेंट के बारे में। और ये तुम्हारा कैमरा। हमारे पास सिर्फ ये वॉलेट है सर, उस आदमी की पहचान और असलियत जानने के लिए, और ये कुछ चीजें मिली है साथ में, पेट्रोल पंप का बिल, ये होटल का मैच बॉक्स, खरीदा हुआ मैच बॉक्स, ये नंबर किसका, ये सेलफोन लगता है किसी। सर, हम इस पेट्रोल पंप पे गए थे, वहां से पता चला सर ये आदमी महीने में दो तीन बार वहां पे आता है, और सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि वो अपने बाइक पे हर बार अलग अलग नंबर प्लेट लगा के आता है। हाँ, और पेमेंट कैश में करता है। और सर,
ये मैच बॉक्स जिस होटल का है वहां पे भी हमने पूछताछ की। वो आदमी महीने में 5-6 दफा खाना खाने आता है और पेमेंट भी कैश से करता है। सर ये नंबर के बारे में आप पूछ रहे थे, सर ये बार में एक लड़की है जो काम करती है उसका है। वो कह रही थी कि उस आदमी का नाम अशोक है और एक दो बार उनसे बात हुई है फिर वो गायब हो गया सर। मतलब हमारे पास इस अशोक के बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। एक काम करते हैं, ये सारी जो लोकेशन है ना, पेट्रोल पंप, बार और ये होटल, देखते हैं कहाँ कहाँ पर है, जरा मैप दिखाओ। ये वो जगह है जहाँ पे वो पेट्रोल पंप है। सर यहाँ पे बार है सर। पर सर ये होटल है। बार, ये होटल, पेट्रोल पंप, दया सर ऐसे नहीं लगता तुम्हें? देखो ना ये सारे सारे के सारे लोकेशंस 1 किलोमीटर के दायरे में है यहाँ से। हो सकता है सर उसका घर या ऑफिस इस जगह के आसपास ही कहीं। Are you ready? I'm ready, sir. चल, चल, आ। Sir, मैं ready. अरे वाह, बहुत अच्छा गेटअप है। इसकी घर का क्या किया? सर, पूर्वी के लिए भाड़े पे 1 हफ्ते के लिए घर लिया। I mean, अल्पा के लिए। अल्पा, ठीक है, good. लेकिन पूर्वी, चौकन्ना रहना। उनका पहला कदम क्या होगा हमें पता नहीं है। Yes. Good luck. Thank you, sir. अब एक काम करते हैं। इस 1 किलोमीटर के दायरे में इस अशोक का फोटोग्राफ दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं, शायद कोई निकले जो इसको जानता हो। पूर्वी। हाँ सर। चौकन्ना रहना। सर यहाँ पे तो सब ठीक है। जी कहिए। वो मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े, मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज? एक मिनट। हाँ हाँ आओ जल्दी आओ। क्या 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 हुआ क्या तुम्हें? अरे ये तो आदित्य है, शिप्रा की पड़ोसन। वो एक्चुअली मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैं आपके घर आ गई। कोई बात नहीं। थैंक यू मिस। अल्पा और तुम? अदिति। बैठो। अब प्लीज मुझे एक गिलास पानी देंगे प्लीज? अभी लाती हूँ। शिप्रा की पड़ोसन अदिति। सर मैं फौरन वहां पहुंचता हूं। नहीं सर, अब अशोक का भी पता नहीं चला। यस सर। सब कुछ प्लान के मुताबिक तो चल रहा है, अब देखते हैं अदिति पूर्वी को कहां लेकर जा रही है। अरे ये क्या, ट्रैकर एक ही जगह पे, वो भी नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को ट्रैकर के बारे में पता चला हो, निकाल कर फेंक दिया हो। माय गॉड, अब तक पहुंचेंगे कैसे इन सब तक? Thank you.
तुम्हारे दवा का वक्त हो गया है, अब अच्छे बच्चे की तरह दवा लो। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं दूंगी। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगी। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कुछ दिनों के लिए हम किसी नए लोगों को नहीं लाएंगे, क्योंकि सीआईडी वाले हमें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हमारी कोई भी लापरवाही हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। सर, अदिति का घर बंद था, दरवाजा तोड़ के हम लोग अंदर भी घुसे पर कुछ हाथ नहीं लगा सर। इस अशोक का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, ऐसा लग रहा है हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। नहीं फ्रेडी, हमारे लिए कोई रास्ता बंद नहीं होता, हम सीआईडी वाले रास्ता बनाते हैं। सर, वो लोग कहीं पूर्वी को केमिकल इंजेक्शन ना दे दे। नहीं, कुछ नहीं करेंगे वो लोग, पूर्वी को कुछ नहीं होगा। कोई तो बात हम मिस कर रहे हैं, कोई तो बात है जो हमसे छूट रही है, पर क्या क्या हो सकती है वो बात? सर, वो कपड़े का टुकड़ा जो हमें सुबह के हाथ में मिला था, उसके रेशे में आटा मिला था हमें। हाँ सर, आटा। जब मैं अशोक के बारे में रोड पे लोगों से पूछ रहा था, हाँ, तो वहां पे मैंने एक आटा की चक्की देखी थी और उसके पीछे एक पुरानी बिल्डिंग भी है। तो फिर जरूर वो आदमी जिसने परेश पर हमला किया उस आटे की चक्की के आसपास ही रहता होगा, इसीलिए तो उसकी शर्ट पर आटा आ गया। सर, ये भी तो हो सकता है कि परेश पे हमला करने वाला अशोक ही हो। सर, वो कपड़े का टुकड़ा भी अशोक का ही हो सकता है। ये भी हो सकता है कि परेश पे हमला करने वाला और ये अशोक दोनों एक गैंग के लिए काम करते हो, और वो गैंग आटे के चक्की के आसपास होगा। सबके सब आटे के चक्की के आसपास ही हो गया अभिजीत, और पूर्वी को भी उस चक्की के आसपास ही रखा होगा। कोई अपने जगह से नहीं लेगा, कोई भी नहीं। पूर्वी कहाँ है? अदिति, पूर्वी कहाँ है? सब नर्सेज और डॉक्टर्स इस तरफ आ जाओ। चले चलो, तुम भी जल्दी। डॉक्टर आदिति, पूर्वी कहाँ है? पूर्वी कहाँ है? तुम्हारी पूर्वी मेरे पास है एसीपी। तुम? हाँ, मैं। जिसे तुम लोग यहां वहां खोज रहे थे ना, वो तुम लोगों के साथ ही था। मुझे देखकर अफसोस तो हो ही रहा होगा ना। मुझे पता था सीआईडी कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। लेकिन इस अदिति की बेवकूफी की वजह से सब गड़बड़ हो गया, और मुझे फंसाने के लिए तुमने अपने इस ऑफिसर को मेरे पास भेज दिया। लेकिन अब ये मेरे जाल में फंस चुकी है, और मुझे यही यहां से बाहर निकालेगी। तुम्हें क्या लगता है, पूर्वी की आड़ लेकर तुम हमसे बच जाओगे? नहीं, लगता नहीं है, ऐसा ही होगा। अगर तुम अपने इस बहादुर ऑफिसर को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहां से जाने दो, नहीं तो मैं ये केमिकल इसके अंदर इंजेक्ट कर दूंगा, और उसके बाद क्या होगा तुम लोग सब जानते हो। पर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? अपने बेटे रवि के लिए। अपने बेटे के लिए? हाँ, मेरे बेटे को पार्किंसन नाम की बीमारी है। मैं अपने केमिकल से उस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा हूँ, और मैं जिस फार्मा में काम करता हूँ वो मुझे इंसानों पर उसे ट्राई करने नहीं देते। इसीलिए तुमने अपने तरीके से लोगों को फंसा के उन पे ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मैं सही इलाज तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कैसे पता चलेगा मुझे कि इन केमिकल्स का इंसानों पर रिएक्शन क्या होता है? और इसीलिए तुम सपोर्ट ग्रुप में ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो अकेले रहते थे, ताकि अगर वो गायब भी हो जाए तो किसी को भनक ना लगे, और तुम उन पर अपने एक्सपेरिमेंट्स आराम से करते रहो। अकेलेपन से जूझ रहे परेश को मैंने अपने सपोर्ट ग्रुप के जरिए फंसाया और उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। लेकिन
इन सबकी गलती की वजह से वो यहाँ से भाग निकला और तुम लोगों के हाथ लग गया, नहीं तो मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता। तभी तुम उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। मैं तो उसे इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही मार डालता, लेकिन वो आर्किटेक्ट बीच में आ गया। वहां तुम भी तो जख्मी हालत में मिले थे, ये क्या चक्कर है? परेश को जैसे ही मैंने चाकू मारा, मुझे लोगों की आवाज आई और मैं वहां से भागना चाहा और हड़बड़ी में तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम सीधे नीचे गिर गए। मैं तो वहां से भी भाग जाता, लेकिन मेरे टूटे हुए पैर की वजह से मैं भाग नहीं पाया। और इसीलिए तुमने विक्टिम होने का ढोंग किया, ताकि तुम सेफ भी रहो और किसी को तुम पे शक भी ना हो। और तभी तुम लोगों की नजर मुझ पर पड़ी। और शिप्रा का क्या? उसे तो तुमने किडनैप नहीं किया था, वो तो सुपरमार्केट में घूम रही। सपोर्ट ग्रुप में से अदिति ने शिप्रा को चुना और हमने डिसाइड किया कि हम उसे किडनैप नहीं करेंगे और चुपचाप ये ड्रग देते रहेंगे। खिलाड़ी तो तुम शातिर हो, पर थोड़े कच्चे हो, नहीं तो हमारे लिए सबूत नहीं छोड़ते तुम। याद है ना तुम्हारा वो शर्ट, उसका एक टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, उस पर जो आटा लगा था ना, बस उसी के जरिए हम तुम तक पहुंच गए। क्या किया तुमने सुब्बू? कभी सोचा है हा? अपने बेटे को बचाने के लिए तुमने न जाने कितने लोगों की जान दांव पर लगा दी, पर ये नहीं सोचा ना कि सही क्या है गलत क्या है। तुम्हारे बेटे को तो हम अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दिलवाएंगे, मगर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे बिठा देंगे, शायद फांसी का ऑर्डर भी आ जाएगा तब तक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.